किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज द जंक्शन लॉ और करंट लॉ. इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग एट दैट पॉइंट दैट इज जंक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मान लो हमारे पास ये जंक्शन है. जंक्शन क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट पाथ जो है मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस जंक्शन के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा अगर हम उसका सम ले वो किसके बराबर हो जाएगा? इसी पॉइंट के ऊपर जितना करंट लीव करेगा उसका सम. सो इट इज आल्सो स्टेट एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो. मतलब जितना करंट एंटर करेगा किसी पॉइंट के ऊपर और लीव करेगा अगर हम उसका एल्जेब्रिक सम ले इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर. दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू जीरो. इन दिस फिगर वन मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे जो करंट आई टू और आई फाइव जो है वो एंटर कर रहा है इस पॉइंट जंक्शन पॉइंट ओ के ऊपर और यहाँ पे आई वन आई थ्री और आई फोर करंट जो है वो लीव कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होगा? जितना करंट एंटर कर रहा है, एंटर क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे आई टू प्लस आई फाइव ये करंट एंटर कर रहा है इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? जितना करंट लीव कर रहा है. लीव क्या कर रहा है? आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर. थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं. मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा आई टू प्लस आई फाइव. इसको इस साइड लेके आ जाऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस आई वन. आई थ्री को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस आई थ्री. ऑल्सो दिस बिकम्स माइनस आई फोर इज इक्वल टू जीरो. इसके बराबर आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ.